नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक सेट आया हुआ है जो इसका मॉडल नंबर, दोस्तों हम सेट को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा इसका मॉडल नंबर क्या है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप पूरा वॉच करें, पूरा टाइम उसको देखें, स्किप ना करें ज़रा सा भी। अगर वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और हम ऐसे नेक्स्ट टॉपिक लेके आते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो हमारा देख के आप 100% सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों J7 Next करके है ये मॉडल। अभी देखिए दोस्तों, इसमें आपको हम चार्जिंग लगा के दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है दोस्तों। तो जैसा कि अभी इसमें हम चार्जिंग यहाँ पे लगा दिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग सपोर्टेड लिख के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे अनेबल टू चार्जर योर डिवाइस, मेक श्योर टू योर यूज द सैमसंग कैपेबिलिटी बैटरी एंड चार्जर एंड डेट योर डिवाइस टू प्रॉपरली कनेक्टेड द टू चार्जर। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम यहाँ पे लिख के आ रहा है। और इसके यहाँ पे देखिए, जो इसका यहाँ पे बैटरी जहाँ पे चार्ज होता है दोस्तों, इसका जो लोबो बना हो ये भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब आ रहा है और जा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका बहुत इसको हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम आपको एक बार दिखा दें, ये सेट अभी बंद हो चुका है। यहाँ पे इसका बैटरी यहाँ से दोस्तों हम निकाल लेंगे। और वीडियो को दोस्तों बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताएंगे इसमें आज। तो चलिए दोस्तों एक बार इस बोर्ड को हम ओपन करके यहाँ पर आपको दिखा दें कि जो इसका प्रॉब्लम आता है दोस्तों कहाँ से आता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम इसके मदरबोर्ड को ओपन कर लिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है इसके साइड में दोस्तों, यहाँ पे आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है कुछ कंपोनेंट्स लगा रहता है। यहाँ पे जो है दो रजिस्टर यहाँ पे लगा रहता है, जो 0 ओम का होता है दोस्तों, और ये रजिस्टर जो है दोस्तों हमारे 50 किलो ओम का होता है। तो यहाँ से दोस्तों जो रजिस्टर है हमारा यहाँ से रिमूव है, फर्स्ट सेकंड, और ये 50 किलो ओम का जो भी, ये भी यहाँ से रिमूव है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जम्पर कर दिया अभी, और उसके बाद भी हमने जब इस बैटरी को लगाया तो यही प्रॉब्लम हमारा दिखा रहा है। तो चलिए एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। वापस हम बैटरी लगाएंगे यहाँ पे, और एक बार इसको बिना ऑन किए हुए चेक करेंगे एक बार, उसके बाद देखते हैं हमारा कौन क्या इसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखिए दोस्तों अभी इसमें बैटरी का दोस्तों ये लोगो दिखा रहा है इसमें, यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम है ऑन पे भी ये दिखा रहा है और ऑफ पे भी ये दिखा रहा है। तो इसको दोस्तों हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इस बैटरी को यहाँ पे दोस्तों हम निकाल देंगे। इसमें जो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम जो आता है दोस्तों, कोई भी एंड्रॉइड सेट हो, सबसे पहले दोस्तों हमारा जो फर्स्ट काम होता है इसका जो कनेक्टर दोस्तों, उसको हमें चेक करना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, वो ऑलरेडी चेंज हुआ है, नया लगा हुआ है इसमें। उसके बाद जो इसका सेकेंड प्रोसेस होगा दोस्तों, हम बैटरी चेक करेंगे कि हमारा कोई बैटरी से इशू तो नहीं है। उसके बाद अगर हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तो उसके बाद हम बोर्ड में कोई छिड़खानी करेंगे, उससे पहले हम बैटरी को चेक कर लेंगे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों अभी मेरे पास एक बैटरी यहाँ पे और है, तो इस बैटरी को यहाँ पे हम लगा के चेक करेंगे। मैं किसी शॉप से रिटर्न भी है दोस्तों, तो एक बार इसको हम फिर यहाँ पर लगाएँगे इस चार्जर को वापस। तो देखिए दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो चुका है, यानी कि जो हमारा इशू था वो बैटरी का था दोस्तों। किसी टेक्नीशियन ने यहाँ पे काम भी किया था, उनका जो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये सेट मेरे पास आया, तो सबसे पहले हमने इसको फर्स्ट टाइम चेक किया था तो बैटरी का था, इसीलिए मैं सोचा कि ताकि आप लोग को वीडियो बना के दिखाऊँ, ताकि आपके पास ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो ईजिली आप 100% सॉल्व कर लें। और उससे पहले दोस्तों एक बार हम बैटरी को चेक करके दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके कारण ये एरर आ रहा है। सेट को साइड में रखेंगे दोस्तों, बैटरी को
मल्टीमीटर को DC20 पर रख के, और दोस्तों इसका बैटरी का जो ये यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हो दोस्तों, इस साइड से हम यहाँ पे कर लेंगे, इस साइड भी दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जब इसका ब्लैक आप यहाँ पे रखेंगे और माइनस पे रेड, तो देखिए दोस्तों हमारा जो बैटरी बिल्कुल चार्ज है। लेकिन जो इसका दोस्तों बीच का जो BSI पॉइंट होता है दोस्तों, जो NTC भी इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमें BSI पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिख रहा है। जिस बैटरी से हमारा चार्जिंग ओके कंडीशन दिखा रहा था उस पर कोई भी वोल्टेज नहीं दिख रहा, सेम यही बैटरी, इसको भी हम चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे ब्लैक इस पर रखेंगे और माइनस वाला जो है इस पर रेड रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जब चेक किया तो इस पर भी बैटरी हमारा चार्जिंग बिल्कुल दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही ब्लैक प्लॉट को इसके BSI पे रखते हैं तो सेम वही वोल्टेज इस पर भी दिखाता है। तो दोस्तों यानी कि हमारा जो BSI में ये भी वोल्टेज दिखा रहा है, इसी कारण हमारा जो ये चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों आपके पास ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप बैटरी और कनेक्टर को चेक करके देखें, उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पे काम करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।